हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यूट्यूब कीवर्ड्स के बारे में। जितने भी यूट्यूबर्स हैं, आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि कीवर्ड क्या होता है। आज को पूरा ए टू जेड डिटेल जो है आपको कीवर्ड के बारे में देने वाला हूँ इस वीडियो को, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बेसिकली जो आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ वो ये बताने वाला हूँ कि कीवर्ड क्या होता है, यूट्यूब की कीवर्ड्स क्या होता है, या फिर कीवर्ड जो होते हैं यूट्यूब के वो कितने टाइप के होते हैं, आपने वीडियोज़ के लिए यूट्यूब के वीडियोज़ के लिए कीवर्ड जो है कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, और ये जो कीवर्ड है आप अपने वीडियोज़ पर या फिर चैनल पर कहाँ पर इसे लगाया जाता है। और सबसे मेन चीज़ जो है फ्रेंड्स कि कीवर्ड का जो है क्या रोल होता है आपके यूट्यूब के वीडियोज़ पर, क्या कीवर्ड जो है आपका यूट्यूब के वीडियोज़ पर व्यूज़ ला सकता है या फिर आपका चैनल ग्रो कर सकता है। तो बेसिकली आपको कीवर्ड के बारे में ए टू जेड डिटेल्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। ये नॉलेजफुल है नए यूट्यूबर्स के लिए और आपको जो है काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलेगा। और ये वीडियो थोड़ा लेंथली हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लेकिन वीडियो को ज़रूर देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको सारा डिटेल्स आपको इस वीडियो में को देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जो है आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर जो है हमारे टेक हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। जी फ्रेंड्स, तो पहला है यूट्यूब कीवर्ड होता क्या है। जब आप इंटरनेट पर किसी प्रोडक्ट, न्यूज़ या किसी चीज़ के बारे में आप इंटरनेट पर सर्च करते हैं, और सर्च करते वक्त जिन वर्ड का आप इस्तेमाल करते हैं उसके कीवर्ड कहते हैं, क्योंकि आपको इस टॉपिक के बारे में जानना रहता है, इस टॉपिक के बारे में आपको जानना होता है। इस कारण से जिस वर्ड का आप इंटरनेट पर इस्तेमाल करते हैं सर्च करने के लिए उसे कीवर्ड कहते हैं। जी फ्रेंड्स, तो कीवर्ड क्या होते हैं आपको आसान भाषा में मैं बता देता हूँ। आप जब भी इंटरनेट पर जो है आप किसी चीज़, प्रोडक्ट, न्यूज़ या कुछ भी जो आप इंटरनेट पर सर्च करना चाहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, और सर्च करते वक्त जिस वर्ड का आप इस्तेमाल करते हैं उसे कीवर्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये मेरे जो इंटरनेट पर आप जब कोई वर्ड जस्ट सर्च करना चाहते हैं जिसके बारे में आपको जानना है और जिस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे वही कीवर्ड होगा। तो अभी मैंने इंटरनेट पर मुझे सर्च करना चाहता हूँ, सपोज़ मुझे सर्च करना है जो है यूट्यूब, सिर्फ यूट्यूब लिख रहा हूँ, ठीक है, यूट्यूब मैंने लिख दी गया है। तो यूट्यूब यह मैंने सर्च किया है क्योंकि यूट्यूब के बारे में मुझे जानना है, तो ये जो है मेरा ये जो है कीवर्ड इसे कहलाते हैं। और ये जो है, ठीक है फ्रेंड्स, ये कीवर्ड हो गया। और यहाँ पर अगर मैं लिख सकता हूँ हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल, ये भी जो है कीवर्ड, ये सब जो है कीवर्ड में शामिल होता है। तो आप इंटरनेट पर जब कोई वर्ड के किसी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं और जानने के लिए जिस वर्ड का आप इस्तेमाल करते हैं उसे ही कीवर्ड कहते हैं। ये तो हो गया कीवर्ड क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब दूसरा पॉइंट है कि यूट्यूब कीवर्ड्स कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली जो फ्रेंड्स यूट्यूब कीवर्ड दो टाइप के होते हैं। पहला जो होता है सिंगल कीवर्ड। अब सिंगल कीवर्ड क्या होता है आपको बता देता हूँ। सिंगल कीवर्ड मत, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, सिंगल यानी एक वर्ड का। जब आप इंटरनेट पर कोई एक छोटा वर्ड सर्च करते हैं तो सिर्फ एक वर्ड, तो वो सिंगल कीवर्ड कहलाता है। आपको मैं अभी मोबाइल पर जाकर दिखा दूंगा, वो सिंगल वर्ड कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सिंगल वर्ड आप इंटरनेट पर देते, जैसे कि एग्जाम्पल बता दूँ, आपको फेसबुक के बारे में जानना है, ठीक है, तो उसे आप फेसबुक लिखेंगे, ठीक है, तो फेसबुक जो एक वर्ड हुआ वो सिंगल वर्ड हुआ। ठीक है फ्रेंड, और दूसरा जो इसका टाइप है वो है लॉन्ग टेल कीवर्ड। लॉन्ग टेल कीवर्ड मतलब एक से अधिक प्रकार का जिस वर्ड का आप इस्तेमाल करते हैं उसे लॉन्ग टेल कीवर्ड कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, जो एक से ज़्यादा वर्ड रहता है। मान लीजिए लॉन्ग टेल कीवर्ड में आप गूगल पर सर्च करते हैं हाउ टू क्रिएट फेसबुक, तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं हाउ टू क्रिएट फेसबुक, चार वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये लॉन्ग टेल कीवर्ड कहलाएगा। सिंगल कीवर्ड सिर्फ एक वर्ड जैसे फेसबुक, ये हो गया आपका कीवर्ड के टाइप। है टाइप ऑफ कीवर्ड, कीवर्ड के कितने टाइप होते हैं। कीवर्ड का मैंने बताया जैसे कि दो टाइप होते हैं, एक सिंगल कीवर्ड, एक लॉन्ग टेल कीवर्ड। सिंगल कीवर्ड मतलब एक वर्ड का, सिर्फ एक वर्ड मीन, जैसे यहाँ पर मैं फेसबुक लिखूँगा, सिर्फ फेसबुक लिखूँगा, ठीक है, तो ये सिर्फ एक वर्ड का है, तो ये सिर्फ सिंगल वर्ड कहलाता है, जैसे कि नाम से पता है सिंगल यानी एक वर्ड का, तो ये जो है सिंगल वर्ड कीवर्ड हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, फेसबुक लिखने के बाद भी आपका सर डिटेल्स आ जाते हैं, फेसबुक के बारे में सारा कुछ देख सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में आप जानना चाहते हैं, कीवर्ड हुआ। और दूसरा जो टाइप है वो लॉन्ग टेल कीवर्ड। अब यहाँ पे मैं जैसे लिखूँगा हाउ टू क्रिएट, यहाँ पे मैं लिखूँगा हाउ टू क्रिएट फेसबुक आईडी या फेसबुक अकाउंट, जो भी आप लिख कर जो सर्च करते हैं, फेसबुक आईडी, फेसबुक अकाउंट,
तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी मैंने जो वर्ड का इस्तेमाल किया है वो हाउ टू क्रिएट फेसबुक आईडी, यानी 5 वर्ड इसमें मिला हुआ है, तो ये लॉन्ग टेल कीवर्ड हुआ, यानी 1 वर्ड से ज़्यादा वर्ड है तो ये लॉन्ग टेल कीवर्ड कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है कीवर्ड के टैप हुए, एक सिंगल कीवर्ड, एक लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया, फिर जो है कीवर्ड प्लानर टूल्स, इस तरह के जो एप्लीकेशन की मदद से आप अपने यूट्यूब वीडियोस के लिए कीवर्ड चुन सकते हैं। बेसिकली जो मैं चूज़ करता हूँ अपने कीवर्ड यूट्यूब वीडियोस के लिए, वो इस तरह से चूज़ करता हूँ, आप देख सकते हैं। तीसरा जो आता है कि आप अपना जो है यूट्यूब वीडियोस के लिए कैसे आप जो है कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, कीवर्ड जो है मोस्टली आप बहुत सारे एप्लीकेशन वगैरह है या फिर इंटरनेट पर या यूट्यूब पर भी आपने की अपने जो है वीडियोस के लिए कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं। बेसिकली मैं जो करता हूँ, सबसे पहले तो मैं गूगल पर सर्च करता हूँ, कुछ इस तरह से आपको बता देता हूँ। जैसे मैं कुछ वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, मैं कुछ वीडियो बनाता हूँ, मान लें यहाँ पर जैसे मैंने पब्लिक को सिखाना है कि थंबनेल अपने वीडियोस के लिए कैसे बनाएं। ठीक है, तो यहाँ पर हाउ टू क्रिएट थंबनेल या यूट्यूब थंबनेल जो भी है, ठीक है, इसे आप देख लें। भी और मैं सिंपल भाषा में आपको बता दूंगा, आपके लिए आसान रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, देख सकते हैं हाउ टू क्रिएट थंबनेल है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरे एक तरह का कीवर्ड हुआ है, तो मोस्टली पब्लिक जो देख सकते हैं यहाँ से इस तरह से आपको कीवर्ड मिल जाता है। देखिए ये जो है पब्लिक सर्च करती है यूट्यूब थंबनेल बैकग्राउंड, यूट्यूब स्टूडियो थंबनेल इमेजेस, यूट्यूब थंबनेल मेकर ऑनलाइन फ्री, यूट्यूब थंबनेल टेम्पलेट, ये सारा कुछ जो है आपका कीवर्ड में आता है। तो इस कीवर्ड का जो है आप इस्तेमाल वगैरह कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से। नहीं तो अगर एप्लीकेशन की बात करें, एप्लीकेशन से जाने से पहले आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं यहाँ पर पब्लिक क्या सर्च करती है। जैसे हाउ आप थंबनेल के ऊपर एक वीडियो बना रहे हैं तो कीवर्ड आपको चाहिए, तो इसके के लिए यहाँ भी लिख सकते हैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने से पहले कि हाउ टू क्रिएट यूट्यूब थंबनेल। देखिए इंडिया की जो पब्लिक है या जो भी यूट्यूब थंबनेल के बारे में जानना चाहती है, तो ये जो इस तरह से यूट्यूब पर लिख कर सर्च करते हैं उनका ऐसा कीवर्ड होता है, हाउ टू क्रिएट यूट्यूब थंबनेल, हाउ टू क्रिएट यूट्यूब थंबनेल ऑन एंड्रॉयड, हाउ टू क्रिएट यूट्यूब थंबनेल ऑन आईफोन, फोटो शूट मोबाइल, हर तरह का जो है ये इस तरह का कीवर्ड है। एक गूगल से, एक यूट्यूब से आप इस तरह से निकाल सकते हैं। नहीं तो अगर एप्लीकेशन की बात करें तो बहुत तरह के एप्लीकेशन है, जैसे कि आपको बता देता हूँ एक एप्लीकेशन के बारे में, आपको जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैं एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाला हूँ ये है, इसका जो है कीवर्ड प्लानर टूल्स नाम है। ठीक है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको हर जो है जिस भी टॉपिक में आप वीडियो बना रहे हैं इसका कीवर्ड वो ला के दे देता है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ जैसे बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 10,000। ठीक है, ये इंडिया ही रहने दें। अब देखिएगा इसका कीवर्ड आ जाएगा, देखिए देखिए इस तरह का जो है आप हर टॉपिक के लिए अपना कीवर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर सर्च वॉल्यूम और ट्रेंड जो है इसे हाइड किया हुआ है, इसे करने के लिए आपको इसे अनहाइड करने के लिए बाई करना पड़ेगा। जी फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये जो ऐप्स का नाम है कीवर्ड टूल ऐप, देख सकते हैं यहाँ पर कीवर्ड टूल ऐप, यहाँ पर देख लें आप, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा ऐप है, जो टॉपिक में आप वीडियो बना रहे हैं इसका टॉपिक का नाम लिख दें और यहाँ पर हर तरह का आपका जो है कीवर्ड मिल जाएगा। देख सकते हैं कीवर्ड को सिलेक्ट भी कर सकते हैं इस तरह से, जो आपको सिलेक्ट करना है कीवर्ड अपने वीडियो के लिए वो कीवर्ड यहाँ से सिलेक्ट करके। ठीक है, और नीचे में आपको जो है ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर कीवर्ड का, कॉपी का, सॉरी यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन है कॉपी का, देख सकते हैं ये जो ऑरेंज है यहाँ पर कॉपी के एक ऑप्शन है, इसे कॉपी भी करके अपने वीडियोस पे पेस्ट कर सकते हैं। इस नंबर 4 पॉइंट कि आप अपना यूट्यूब वीडियोस या फिर चैनल पर कहाँ पर कीवर्ड लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, चैनल जो वीडियो का यूट्यूब वीडियोस का जो कीवर्ड होता है और चैनल कीवर्ड जो है वो लगाने का कुछ तरीका होता है, वो तरीका आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए। तो आपको मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आपको वीडियोज़ और अपने चैनल के कीवर्ड्स को लगाना है, तो चलिए आपको दिखाता हूँ।
जी फ्रेंड्स, तो नंबर फोर में है कि आप अपने यूट्यूब वीडियोस के लिए जो है कैसे कीवर्ड लगा सकते हैं वीडियोस या फिर अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो कीवर्ड लगाने के लिए आपको सबसे पहले जब वीडियो अपलोड करते हैं तो वहाँ पर भी कीवर्ड डाल सकते हैं, लेकिन मैं जो है ऑलरेडी जो मैंने वीडियो बनाए रखा है उसके ऊपर दोबारा कीवर्ड लगा के मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ, मेरे एक वीडियो था बहुत पहले का, ये मेरा एक वीडियो हाउ टू रिमूव गूगल सर्च बार फ्रॉम आई Xiaomi Mi 3 फ़ोन। इसमें अच्छा व्यूज़ आया है, 4K व्यूज़ हो चुका है। तो इसका जो है मैंने जो देख सकते हैं यहाँ पर, अगर टाइटल की बात करूँ तो टाइटल भी एक कीवर्ड टैप का होता है, कीवर्ड ही होता है जो पीपल्स है वो सर्च करती है। तो टाइटल में भी आपको कीवर्ड जो है अच्छे तरीके से देना है, इसे भी कीवर्ड कहते हैं हाउ टू रिमूव गूगल सर्च बार। यहाँ पर आप टाइटल में दो तरह का कीवर्ड दे सकते हैं अपने अनुसार। ठीक है, टाइटल का भी मेन रोल होता है। डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, मैंने शॉर्ट सिर्फ डिस्क्रिप्शन लिखा है। तो अभी मैं जैसे कीवर्ड आप हर जगह यूज़ कर सकते हैं, आप कीवर्ड जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे सकते हैं या फिर टाइटल में भी जो है जो आपको टॉपिक बनाना है इसका कीवर्ड यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन मैंने इतना छोटा लिखा है, तो मान लीजिए यहाँ पर मैं और थोड़ा कीवर्ड देता हूँ, एक्स्ट्रा कीवर्ड। ठीक है, यहाँ पर कीवर्ड मैं लिख देता हूँ और ये मेरा वीडियो है हाउ टू रिमूव गूगल सर्च बार फ्रॉम Xiaomi फ़ोन। तो अभी इस वीडियो के लिए मुझे जो है कीवर्ड चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, कीवर्ड जो पब्लिक सर्च करती है वो कीवर्ड चाहिए, कहाँ से अभी लाऊंगा। तो जैसे कि मैंने बताया, एक मैंने ऐप डाउनलोड करके रखा है कीवर्ड टूल का। ठीक है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं अपना मेरा जो कंटेंट था, टाइटल था वो हाउ टू रिमूव गूगल सर्च बार Xiaomi। ठीक है, सिर्फ इतना लिखना है और यहाँ पर सर्च में क्लिक कर देना है। ठीक है, अब देखिए, देख सकते हैं ये जो है कीवर्ड, बहुत सारे कीवर्ड आ चुके हैं यहाँ पर हाउ टू रिमूव जो पब्लिक सर्च करती है। इसे मैं अभी जो है अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगाऊंगा। तो यहाँ पर कॉपी का जो है इसे यहाँ पर टिक करके ये पूरा जो है सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी में क्लिक कर लिए। कॉपी में क्लिक करने के बाद अभी जो है मेरा ये वीडियो गूगल सर्च बार का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी कीवर्ड दे सकता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पे होल्ड करके यह मैं पेस्ट करूँगा। एक मिनट, जी फ्रेंड्स, अपने कॉपी को अभी यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा। ठीक है, जी फ्रेंड्स, तो अभी मैं यहाँ पर अपना कीवर्ड जो मैंने सिलेक्ट किया वो पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं ये मेरा जो है मैंने कीवर्ड जो है यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया है। ठीक है, यहाँ मैंने अपने कीवर्ड जो है वगैरह मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया अपने डिस्क्रिप्शन में। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस प्रकार लिख कर जो है आप इसे सेव कर सकते हैं। ठीक है, ये सेव हो गया। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ डिस्क्रिप्शन में मेरा कीवर्ड, देखिए इतना सारा कीवर्ड यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरह से आपको जस्ट कीवर्ड टूल ऐप में अपना टॉपिक का नाम लिखना है, कीवर्ड आ जाएगा, कॉपी करना है, डिस्क्रिप्शन में आप कीवर्ड भी डाल सकते हैं और टाइटल में सोच समझ के अपना कीवर्ड अपने अनुसार बना के कंटेंट का टाइटल आपको लिखना है। ठीक है, ये तो रही वीडियो की बात। ठीक है यार, जो यूट्यूबर्स होते हैं उनका एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आप नया चैनल बनाते हैं तो इसका चैनल का एक कीवर्ड रहता है, जो पब्लिक आपका चैनल का नाम सर्च करे तो वो आपका यूट्यूब पर शो करना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्रोम में जाकर जो है अपना यूट्यूब खोलना है। यूट्यूब में खोलने के बाद आपको एडवांस में चले जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, एडवांस में आने के बाद देख सकते हैं मेरा ये चैनल है। जी फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये टेक स्ट्रेट चैनल है। तो यहाँ पर मेरा कंट्री इंडिया है, चैनल कीवर्ड जो है बहुत अहम रोल होता है इसका, जो पब्लिक को आपका चैनल ढूंढने में मदद करती है। तो नाम तो मेरा टेक स्ट्रेच है, लेकिन चैनल का कीवर्ड आपको एक वर्ड का नहीं देना है,
आपको बहुत बेहतरीन यहाँ यूज़ करना है चैनल कीवर्ड में, देख सकते हैं यहाँ मैंने यूज़ किया है टेक स्ट्रेस टेक टेक्निकल हिंदी, टेक स्ट्रेस हिंदी टेक्निकल चैनल यूट्यूब, ऐसा ऐसा जो है यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जी फ्रेंड्स, नंबर 5 में मैं जो है फ्रेंड्स वो यूट्यूबर के माइंड में ये रहता है कि कीवर्ड का क्या रोल होता है यूट्यूब वीडियोस पर, क्या कीवर्ड अच्छे देने से आपका यूट्यूब का वीडियोस ग्रो कर सकता है या फिर एसईओ में आपका जो है वीडियो वो रैंक कर सकता है। तो बेसिकली जो है आप अच्छा कंटेंट बनाते हैं, अच्छा वीडियो बनाते हैं, जब अपलोड करने का वक्त आता है तो वहाँ पर आपको सबसे पहले जो आता है कीवर्ड, आपको जो टॉपिक कंटेंट बनाया है उसका क्या कीवर्ड आप पब्लिक को दे रहे हैं, तो कीवर्ड भी आपका बहुत मेन रोल निभाता है जी मेरी माने तो। और कि जी कीवर्ड बिल्कुल जो है आपका अहम पार्ट है यूट्यूब वीडियोस के लिए। तो कीवर्ड जो है जब आप इंटरनेट पर अपना वीडियोस बना लेते हैं, वीडियो बनाने के बाद जो वीडियो अपलोड करने से पहले कीवर्ड सोच लीजिए, कीवर्ड आपको क्या देना है उस कंटेंट में, कीवर्ड आपको सर्च करना पड़ेगा फ्रेंड्स कि पब्लिक जो है वो किस तरह का कीवर्ड गूगल या यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर सर्च करती है, तो उसी से रिलेटेड आपको अपना कंटेंट में कीवर्ड का इस्तेमाल करता है। जैसे कि इंडिया की बात करें तो यूट्यूबर जो है इंग्लिश हिंदी देते हैं या फिर जो अदर लैंग्वेज है तमिल, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश की। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन नए यूट्यूबर्स अगर आप हैं तो आपको बोलना चाहूँगा सबसे पहले कि आप जो है पहले इंग्लिश का कीवर्ड देना शुरू करें, हिंदी का कीवर्ड ना दें, क्योंकि पब्लिक जो इंडिया की पब्लिक इतना हिंदी में सर्च नहीं करती है, बेसिकली जो आप इंग्लिश में दें। ठीक है फ्रेंड, या फिर जो आप हिंदी या इंग्लिश मिक्स करके देते हैं वो भी अभी ना दें। जब आपका चैनल ग्रो हो जाता है, जब आपकी पब्लिक जो पहचान बन जाती है, तब आप बेसिकली अपने कंटेंट को हिंदी में कीवर्ड दे सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश मिक्स करके दे सकते हैं। लेकिन नए यूट्यूबर हैं तो आपको फ्रेंड्स इंग्लिश में कीवर्ड देना है। ठीक है फ्रेंड्स, कीवर्ड का भी अहम रोल होता है। आई होप इस वीडियो में आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा कि कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड कितने तरह के होते हैं, कहाँ से कीवर्ड आपको फाइंड करना है, कीवर्ड कहाँ पर लगाना है, कीवर्ड का क्या रोल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो टेक स्ट्रेस की आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने जो यूट्यूबर्स हैं उसके दोस्तों को आप ज़रूर शेयर करें। तब तक मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पर।